विद्यानम। तो आज बात करते हैं अगस्त का महीने में ऐसी ऐसी राशियों के बारे में जो बहुत अच्छा और बेहतर परिणाम दिखा सकती हैं, यानी कि जिन राशियों के लिए अगस्त का महीना वाकई में शुभ साबित हो सकता है, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ग्रह गोचर अपनी स्थिति में दिखा रहे हैं। उनमें से सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। हालांकि और सभी राशियों के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, परंतु यहां मैं अगस्त के महीने का राशिफल मैंने डाल दिया है, उसके लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगस्त के महीने में मेष राशि को मुख्य रूप से क्या लाभ है? केवल और केवल फलादेश आपको बताया जाएगा, कोई ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराया जाएगा, केवल और केवल फलादेश। तो मुख्य रूप से तो सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चार ग्रह अपनी चाल में विशेष बदलाव अगस्त के महीने में कर रहे हैं। बात करें कि मेष राशि को इन ग्रहों के गोचर से अगस्त के महीने में क्या बेनिफिट है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला और मेन बेनिफिट, आय, आय के स्रोत, कामकाज और पुरानी चल रही टेंशन या चिंताओं से कुछ ना कुछ रिलीफ, कुछ ना कुछ मुक्ति जैसी आपको आभास इस अगस्त के महीने में जरूर होगा। मेष राशि के लिए अगस्त का महीना सबसे पहले नंबर पे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसी रेमेडीज जो आपकी पुरानी चल रही समस्याओं को दूर कर सकती हैं, ऐसे तथ्य, ऐसा लाभ आपको इस अगस्त के महीने में प्राप्त हो सकता है। हालांकि यदि आप उस मौके को छोड़ दें तो बात अलग है, परंतु आपको जो बेनिफिट मिलेगा इसी महीने में मिलेगा। पिछले कई महीनों से जो तनातनी, चिंताएं, परेशानी, डिप्रेशन चल रही है, उनका निजात, उनमें भी जो कमी है, वह इस अगस्त के महीने में मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आप पहले से ही कई चीज़ों में ये परेशानी, चिंताएं सोच करके चल रहे हैं कि हमारे साथ में ये समस्याएं चल रही है और पता नहीं इनका अंत कब होगा। अब यहाँ पर कोर्ट कचहरी में भी यदि किसी की समस्या चल रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनमें आपको बढ़िया और बेस्ट रिजल्ट मिलते हुए अगस्त के महीने में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा विरोधियों को टक्कर देना, जो कंपटीटर्स आपको परेशान कर रहे हैं, कभी कभी कंपटीटर्स शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, मानसिक दबाव प्रेशर बनाते हैं, ये बिजनेस वालों की बात हो रही है, और ये कंपटीशन आज के समय में नौकरी के क्षेत्र में भी है, हर जगह कंपटीशन बना हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए भी कंपटीशंस का बहुत ज़्यादा इस समय देखा जाता है, तो कंपटीटर्स को बीट करने का समय अगस्त का महीने में रहेगा। ये मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम और लाभकारी सहयोग बनता हुआ दिखाई देता है। और बात करें कि यदि आपके पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो जो रिजल्ट है वह आपके पक्ष में आ सकता है अगस्त के महीने। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आज का समय देखें तो बड़ा ही उत्तम रह सकता है। कोई बड़ी समस्या पहले से चल रही है पुरातन, और उसमें आप निजात पाना चाहते हैं, ये शारीरिक रोग चल रहा है, उस स्वास्थ्य में आपको सुधार मिले ऐसा चाहते हैं, तो ये भी अगस्त के महीने में पॉजिटिविटी इस समय दिखाई देती है। अब बात करें नौकरी पेशा वाले जातकों की, तो नौकरी पेशा वालों के लिए भी जो अगस्त का महीना है, जो पहले समय में काफ़ी चिंताएं चल रही थी, कई महीनों से चिंताएं आप ले रहे थे कि आय के स्रोत में वृद्धि कब होगी, खर्चा कब कम होगा, तो कुछ ना कुछ आपके लिए इन ग्रहों ने बेनिफिट बना के रखा हुआ है, और इस महीने आय के स्रोत में भी वृद्धि हो सकती है, यानी इनकम भी बढ़ सकती है। कोई सेकेंडरी ऑप्शन आप इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम या आपके जो एक्सटर्नल खर्चे हैं उन पर रोक लग सके, या वह खर्चा आपके दूसरे काम से, सेकेंडरी वर्क से पूरा हो सकता है। तो इस तरीके से आपके आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी और आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपको आर्थिक मजबूती ये अगस्त का महीना प्रदान करा सकता है। विशेष रूप से व्यवसाय से जुड़े लाभों में या व्यवसाय से जुड़े लोगों को मन चाहा परिणाम इस समय अवधि में मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं महीने के दूसरे सप्ताह की। इस महीने का जो दूसरा सप्ताह आएगा, ये आपकी सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी
बहुप्रतीक्षित वस्तु को, जो आप बहुत समय से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुप्रतीक्षित ऐसी वस्तु की खरीदारी करवा सकता है। और ऐसी खरीदारी जो कई समय से नहीं हो पा रही, यानी कि उसका मेन कारण है पैसा, इनकम। इसका मतलब जब जब इनकम व्यक्ति की बढ़ती है तो वह ऐसी वस्तु को पाना चाहता है जिसको बहुत समय से पाना चाह रहा हो। तो अगस्त के महीने में ऐसी कोई चीज़ है जो आप खरीदना चाहते हैं बहुत टाइम से समय से और पैसे के कारण से नहीं खरीद पा रहे, तो अब आप खरीद सकते हैं, निश्चिंत हो जाइए। इस दौरान अपने इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और लव पार्टनर की बात करें तो लव पार्टनरशिप या लव पार्टनर्स के लिए नज़दीकों का समय समय रह सकता है। अब बात करते हैं महीने के मध्य भाग की। जब हमारा महीने का मध्य भाग आता है तो ये आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला होता है। अब तक हमें स्टार्टिंग में थोड़ा बेनिफिट मिल रहा था, अब जो बेनिफिट्स हैं वे बैलेंस हो जाएंगे, मध्यम तरीके से हमें प्राप्त होंगे, यानी ज़्यादा अच्छे भी नहीं तो ज़्यादा बुरे भी नहीं। अब यहाँ पर हमें संबंधों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी मित्रों, दोस्तों से भी और लव पार्टनर के लिए भी। या हमें किसी प्रकार की कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है इस महीने। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है इस समय। ये जो समय रहेगा इसमें यदि आपने ध्यान हटाया अपने काम से, अपने व्यवसाय से, मध्य भाग से, तो आपको नुकसान होने के चांस रहेंगे। हालांकि यदि आप अपना ध्यान बरकरार रखते हैं चीज़ों पर, अगर अपनी चीज़ों को लापरवाही से बिल्कुल भी नहीं आप छोड़ते, क्योंकि ये राहु का संकेत होता है लापरवाही व्यक्ति को बना देना। लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा मध्य भाग में आपको सावधानी रखनी है। अगर पैसे की लेन देन की बात आए उस समय बहुत सावधानी आपको रखनी है। और संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, चिंता का विषय आपका बना सकती है, जो संतान से संबंधित या लव प्रॉब्लम से संबंधित मध्य भाग में। माह के उत्तरार्ध में आपको क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन महीने के लास्ट में आपको ये काम करने से बिल्कुल बचना है, अन्यथा कोई बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा हो सकता है, बड़ा आर्थिक नुकसान सामने आ सकता है। बाकी मेष राशि वालों के लिए इस समय अवधि में भगवान भोलेनाथ की आराधना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगी। एक विशेष दिव्य उपाय आपको बता रहा हूँ, लाल चंदन को लेकर के जल में मिला करके आप भगवान भोलेनाथ का उस द्रव्य से अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। हो सके तो प्रतिदिन प्रारंभ करें, नहीं हो सकता तो केवल और केवल आप भगवान शंकर का अपने गोत्र एवं नाम से विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर, विद्वान पंडित जी से जाकर आप बात करें और उनको बताएं कि आपको रक्त चंदन से, लाल चंदन से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो विशेष रूप से कल्याणकारी समय है, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा अवश्य करें और इस महीने का पूरा भाग बेनिफिट के रूप में आपको प्रदान करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो मेष राशि वालों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओम श्री विद्याय नमः।